हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बैटमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि अब मार्वल में आने वाला है। और आज हम बात करेंगे मार्वल की नई अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर, यानी कि थॉर 4 के बारे में, जिसमें की मेन कैरेक्टर है क्रिस हेम्सवर्थ। इन्होंने थॉर का कैरेक्टर प्ले करते ही दुनिया में छाप छोड़ दी। और क्रिस हेम्सवर्थ की अपकमिंग मूवी थॉर 4, जो कि काफी कमाल की और डिफरेंट टाइप की मूवी होने वाली है, और इसके डायरेक्टर ने एक चीज पहले ही कंफर्म कर दी थी कि वो इसे रैग्नारोक से भी बड़ी मूवी को बनाएंगे, यानी कि उससे भी ये बड़े लेवल की मूवी होगी। अब बड़े लेवल की मूवी बन रही है तो कोई तो बात होगी। तो इस मूवी में एक अपडेट ये आया है कि क्रिस्टन बेल, जो कि डीसी मूवी में बैटमैन की 3 मूवी में काम कर चुकी है, यानी कि बैटमैन बिगेंस, बैटमैन डार्क नाइट, डार्क नाइट राइसेस, तीनों मूवी काफी कमाल की थी, ब्लॉकबस्टर थी, और अब वो हमें देखने को मिलेंगे थॉर 4 में। जी हाँ, अभी हाल ही में ये पता चला है कुछ सूत्रों से और अपडेट से कि क्रिस्टन बेल थॉर 4 में एक विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मेन विलेन तो लोकी था और हेला थी, बट अब क्रिस्टन बेल हमें थॉर 4 में एक विलेन के रूप में देखने को मिलेंगे, जो कि इंटरगैलेक्टिक एक स्पेस विलेन होगा। जी हाँ, अब इंटरगैलेक्टिक विलेन काफी सारे हैं। अब कौन सा कैरेक्टर क्रिस्टन बेल प्ले करने वाले हैं, अभी ये ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, पर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनका नाम आया है और ये चीज अब कंफर्म भी हो चुकी है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।